नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 नीट का सवाल है क्वेश्चन सेज बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज प्लेज एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पहला है एंगुलर वेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज ऑप्शन नंबर बी है एंगुलर वेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनफेक्टेड ऑप्शन नंबर सी है डिफ्रेक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर डी है एंगुलर बिर्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न विल इंक्रीज नाउ अगेन ये डिबेटेबल पार्ट है वेदर दिस क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ आर सिलेबस और नॉट लेकिन क्योंकि पूछ लिया गया है तो लेटस से कि अपने सिलेबस का पार्ट है यहाँ पर जो सेकेंड थर्ड ऑप्शन जो है वो कहता है कि डिफ्रेक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन ये हमारे सिलेबस का पार्ट डिबेटेबल है कि है या नहीं है बट लेट से ही हमारे सिलेबस का पार्ट है पूछ लिया है तो पार्ट है हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हॉल दो वो पार्टिकल्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी आपका वेव बिहेवियर वेव नेचर शो करते हैं सो so, जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम आप एक सिंगल स्लेट डिफ्रेक्शन के ऊपर सेटअप में वहाँ पे आ, फायर uh, करेंगे इंसिडेंट करेंगे सो so वो भी अपना वेव नेचर शो करते हैं अगेन uh, इस पर लॉन्ग डिस्कशन किसी और उस पर टॉपिक uh, पे जाएगा लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि वो वाला इलेक्ट्रॉन्स भी आपका वेव नेचर शो कर रहे हैं नाउ इस केस में जब हम सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन की बात करते हैं या डबल स्लेट भी हो सकता है ये तो हम ये कहते हैं कि ये जो आपका सिंगल uh, स्लेट है या आपके बीम्स uh, यहाँ पर आ रही है फोटोन की बीम्स या फिर इलेक्ट्रॉन की बीम और ये यहाँ पे इस प्रकार आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनता है फिर ये आपके दूसरे मिनिमास और ये सब बनते हैं नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल मैक्सिमा इसकी जो एंगुलर व्रेथ है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं टू थीटा यहाँ से लेके इधर और इधर ये जो आपकी एंगुलर व्रेथ है uh, टू थीटा तो इसको हम टू थीटा को लिखते हैं टू लैमडा बाई बी लेमडा आपका वेव है और बी आपका यहाँ से हैं ये यह जो स्लेट के वेट है आले? तो ये टू लेमडा बाई बी होती है नाउ सवाल ये है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो उस केस में आपकी एंगुलर वेट क्या क्या होएगा नाओ ऑफ कोर्स बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओनली क्वेश्चन यहाँ पर रह गई कि आपके लैमडा में क्या कोई चेंज आएगा और लैम्डा जो है सी के लैमडा अगर वेरी करेगा स्पीड के साथ सो so अगर हम लिखते हैं लैमडा विल बी इक्वल टू जो आपकी वेव लेंथ है लैमडा उसको लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाई एम वी अगेन ये चीज़ हम डिफरेंट चैप्टर में पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब इसका डिस्कशन होएगा पर लैमडा को हम यहाँ लिख सकते हैं एच बायम वी और जब हम v को इंक्रीज कर देंगे आपकी अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो आपका लैमडा कम हो जाएगा विच एम्प्लाइज अगर लैमडा कम हो गया विच एम्प्लाइज आपका टू थीटा कम हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए एंगुलर वर्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज लुक्स लाइक दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम